शॉप से फोकस हम लोग बात करेंगे चन्ना चार के एपिसोड लास्ट एपिसोड के रिव्यू के बाद में। लास्ट एपिसोड पार्ट वन देखा, चन्नत आती है वहीं पे, फरूक कहता है कि तुम इनके पास बैठा हो तो चलो उसे बैठ कर सभी बात बताते हो। काफ़ी परेशान होते हैं और उसे कहती है कि अब चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे और दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। और दूसरी तरफ ज़्यादा पता चलता है तो उसे कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे जिंदगी पर एक और आगे से देखना सिखा दिया है। और वो वहाँ जाती है उसके पैसे पैसे जाके कहती है तो जन्नत कहती है कि तुम्हें उसने दिया तुम उसको रखो और अपनी शादी पे पहनना क्योंकि अब हमें सब कुछ खत्म हो चुका है। तो काफ़ी हैरान होती है और तो सब नमन जब चाहता है उसे मिलने के लिए तो वहाँ पर वो उसे वापस करता है और उसे माफ़ी मांगता है। इस तरह इन दोनों में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जिस तरह उसे कहती है कि सब कुछ जो भी बहुत बेहतर हुआ और वो इस तरह उनका वहीं आखिरी पर दिखाया जाता है कि फरुख और तबस्सुम के घर एक बेटी होती है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं और जब से तबस्सुम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करती है तो उसे बहुत सारी नियमतें अल्लाह ताला नवाजता है नियमतों से। इसी तरह इस ड्रामे का एक पैगाम होता है। आपको कैसा लगा इस ड्रामे का एंड? एक अच्छा एंड था कि आपको कभी भी इन साइंसों के पीछे नहीं जाना चाहिए जिनसे बहुत से भूलिया आपके हाथों से और रिश्ते आपके हाथों से छोड़ जाएँ और उनकी कोई अहमियत ना बचे। आपने क्या सीखा इस ड्रामा से जिनसे आप अपने कमेंट करिए जरूर दीजिएगा।